अपने कल्चर का मंत्र है पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया तो निरोगी काया के लिए जो जो चीजें अच्छी हैं वो सारी हमारे घरों में थी। वेश क्या है? हाँ। 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। मानव का ये वर्चस्व कितने टाइम तक रहेगा? प्रकृति के साथ मानव रहेगा तो प्रकृति बचेगा, प्रकृति के खिलाफ मानव जाएगा तो मानव भी नहीं बचेगा। धरती को जला के तब हम ईंट पकाते हैं, और जो आज के दिन प्रदूषण का, पर्यावरण को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है वो आज के हमारे मकान है। दूसरा जो कारण है वो है हमारी भूख जिप्सम की। जिप्सम जो है धरती पे राजस्थान को वरदान में मिला था, और ये आप इधर जितनी भी ईंट देख रहे हो, ये हाल देख रहे हो ना, जितना भी यहाँ पे निर्माण हुआ हुआ है ये सारा इन ईंटों से हुआ हुआ है। ये ऐसे इस प्रकार से ये बना लेते हैं, फिर इनसे गोला बना लेते हैं, फिर इनसे ईंट बना लेते हैं, बस। तो ईंट बनाने को देसी भट्टो, बस इतना सही ये है सारा सिस्टम। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। तो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भी दूसरो एपिसोड है जो कद ले आ रहे हो सुदेश जी, कद ले आ रहे हो। तो वो दूसरो एपिसोड है जो आ चुके हैं, बिस्सू पहला था मैं बताना चाहूँ, डॉक्टर मलिक साहब है पहला एपिसोड में थे, बहुत ज्यादा प्यार दे चुका हूँ। तो अब अपना यात्रा है जो सेकंड एपिसोड में कर रहा, और सेकंड एपिसोड में बहुत ही आलिशान चीज़ें हैं जो मैं थाने बता रहा हूँ। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर थारो स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक बात और कहना चाहूँ, झलको बीकानेर, लेकिन मैं आज पहली बार कहूंगा भी झलको हरियाणा। झलको हरियाणा। झलको हरियाणा। झलक हर एक एरिया की, हरियाणा की भी झलक है, राजस्थान की भी झलक, सबकी झलक जो है ना वो ऐसी ही झलकती रहनी चाहिए। अरे हरियाणा में रोहतक को डल वगैरह है। रोहतक का ही मैं हूँ। रोहतक का ही होते खुद रोहतक का। हाँ, बठे का मतलब इतना जो हमारा व्यूवर्स है इतना ज्यादा प्यार देवे, तो मैं कभी कभी टीम में बात करेगा ना कि भी झलको रोहतक भी स्टार्ट करना चाहिए अपन। हाँ, कर सकते हो। अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार के प्रयास जगह जगह होने चाहिए, ताकि अब तक क्या था, हमारा जो ज्ञान था ना उसको निकाल के किताबों के अंदर कोई और ज्ञान दे दिया गया। किताबों में आंडी नहीं पढ़ाई गई, मिट्टी के जो 18 तत्व हैं वो सारे के सारे मेरे शरीर को चाहिए, और वो सारे के सारे जब मैं सब्जी उसमें बनाता हूँ तो धीरे धीरे उसमें आके रल जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए उसके अंदर सब टेस्ट नहीं, गुणवत्ता, गुणवत्ता उसकी गुणवत्ता दूसरे वाले से अलग होती है, क्योंकि अपनी कल्चर की है, अपनी कल्चर का मंत्र क्या है, अपनी कल्चर का मंत्र है पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया के लिए जो जो चीजें अच्छी हैं वो सारी हमारे घरों में थी। कचौरी समोसे हमारे घर में कोनी थे, ठीक है ना, ये बाजार की दी हुई चीज है। आप कचौरी खाते हो, हमें नहीं पता कौन सा तेल है, हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या डाल रखा है, हमें नहीं पता किस तापमान पे उसको तल रखा है। तली हुई चीजों से मैं तो देखो रखता हूँ परहेज, मैंने तो पता नहीं कब तली हुई चीज खाई थी, कभी कॉलेज टाइम पे कभी एक दो बार खाली हो तो खाली, उसके बाद मैं तो है ना जो रॉ फूड होता है खेतों से निकला, जैसे अब ओले आएंगे, ओली है पीछे, चने जो है पक चुके हैं, अब मैं उनको भूनूंगा, भून के जो ओले बनेंगे मैं तो ओले खाऊंगा। जब मेरे पास सारी प्राकृतिक चीज है तो मैं क्यों कचौरी खाऊं भाई। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, इन पर थे बहुत अच्छी बात बताई है कि मैं जो ये चीजें देख रही हूँ, एक बार कैमरा मैन कहूंगा कि बैठने के लिए बाहर चीजें बना रखे, अने भी मिट्टी से बनाए हुए पूरा। हाँ, ये मिट्टी के ही है। मैं बाजार से, जब मेरे पास मिट्टी है, जब मेरे पास संसाधन है, तो बाजार से मैं चीज क्यों लेके आऊं। गांव के अंदर कुछ भी बाजार से नहीं आता था, सारा हमारे गांव से बाहर जो है अन्न और इस प्रकार की कलाएं, हमारे जो कुम्हार थे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो मिट्टी के बर्तन भारत से और रूस में और इधर जो यूरोप में इधर गल्फ कंट्रीज में पूरे वहां पे जाते थे। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था थी जिसको हम जात बोलते हैं, थे के जातिया हो, उसका मतलब क्या है कि आपको क्या ज्ञान है, आपका ज्ञान कौन सा है, ज्ञान कौन सा है, मतलब मैंने वर्गों में बांट दिया, वर्गों में बांट दिया। मैं तो साहब लुहार हूँ, अच्छा तुम लोहे के वैज्ञानिक हो, लोहे के, बिल्कुल साहब कुम्हार हूँ, अच्छा थे मिट्टी के वैज्ञानिक हो, मतलब आप व्यवस्था बना दी इंसाना। ये इधर ईंट का भट्ठा है, आपको ना तो यहाँ पे पानी दिखेगा, ना यहाँ पे कहीं खदान दिखेगी, ना कहीं पे चिमनी दिखेगी,
ना जो है धुआं दिखेगा। जो आज के ईंट के भट्ठे हैं वो लगातार चिमनी के अंदर से धुआं छोड़ते रहते हैं। धरती को जला के तब हम ईंट पकाते हैं, और जो आज के दिन प्रदूषण का, पर्यावरण को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है, वो आज के हमारे मकान हैं। सबसे बड़ा अगर मैं इसके डाटा दूं ना आपको, तो आप कहोगे हम क्या कर रहे हैं। बहुत मतलब डेंजर स्थिति में जाना रहा हाँ आप, और शायद अगर यहीं 10 साल चालियो तो मेरे हिसाब में बारिश ने किसान है जो इंतजार ही करते रहे, वो प्रकृति है जो इतनी रूठ जली। इस इलाके में मैं जब आया था 1976-77 की बात है, श्री मोहनगढ़, मोहनगढ़ नाचना हाँ। उसके बाद सूरतगढ़, इस इलाके के अंदर मैं रहा हुआ हूँ। तो यहाँ पे दिवाली से लेके होली तक काकड़ी मतीरा हुआ करता। आज जो है बारिश आती है तो कुछ दिन वो होते हैं, उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों? कारण दो मुख्य कारण हैं। एक तो हमने सारी जगहों को जो है बाउंड्री लगा ली, और गायों को, गधों को, और जो दूसरे जीव हैं उनको अंदर जाने से रोक दिया। गादड़ खत्म हो गए, लोमकड़ी खत्म होगी। गादड़ का खाचा था ये, उनका ये था। गाय ने यहाँ पे काकड़ी खाई, दूसरे खेत में जाए गोबर कर दिया, वहां पे बीज वहां पे चला गया। अब क्या है, बीज बचाई नहीं रहा। बहुत बहुत गहरी बात कर दी भाई, बहुत गहरी बात कर दी। ज्यादा मैंने पूछो दो कारण, तो मैं कारण कुछ और ढूंढ रही हूँ। दूसरा जो कारण है वो है हमारी भूख जिप्सम की। जिप्सम जो है धरती पे राजस्थान को वरदान में मिला था। ऊपर जो है 5 फुट 7 फुट 10 फुट तक रेत होता है, उसके नीचे 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक जिप्सम की लेयर होती है। वो सारी की सारी लेयर निकाल के हमने पीओपी बनाकर बाजार में बेच दी। जिप्सम क्या करता है, जैसे ही बारिश होती थी साल में, 2 साल में 5 साल में सारे पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता था। वो गीला रहता था। अकाल जितना भयंकर पड़ लो, जिप्सम जो है 5 फुट नीचे 7 फुट नीचे 10 फुट नीचे वो गीला मिलेगा। तो जो बेल थी इनकी बड़ी लंबी लंबी जड़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो है जिप्सम के साथ अटैच हो जाती थी, और वो पानी लेती रहती थी, और वो हरी भरी रहती थी। आज वो जिप्सम भी हमने नीचे से निकाल के खत्म कर दिया। मतलब जो खनन है वो तेजी से बढ़ रही है। खनन हाँ। तो पता नहीं क्या क्या बढ़ रहा है आगे जो है। अब यहाँ पे तापमान और ज्यादा बढ़ेगा आपके बीकानेर में। उसका कारण मैं आज ही बता दूं। बीकानेर में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर 40-50 किलोमीटर के लंबे चौड़े एरिए के अंदर एक काली परत बिछाई जा रही है। अच्छा। और उसके नीचे लोहा है। वो काली परत जो है दिन में पूरा हीट सोखेगी, और नीचे लोहा हो गर्म रहेगा। राजस्थान की क्या नेचर थी, रात ठंडी होती थी दिन गर्म होते थे। अब वो जो सिस्टम से हम बदल रहे हैं उससे क्या होगा कि वो रात को भी गर्मी छोड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक जगह पूरी प्रकृति के हम खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें प्रकृति के खिलाफ काम करेंगे तो हम भी नष्ट होंगे, अन्य जीव तो नष्ट हो ही रहे हैं, बचपन से देखते आए हैं आज तक क्या क्या नष्ट हो लिया। मानव का ये वर्चस्व कितने टाइम तक रहेगा? प्रकृति के साथ मानव रहेगा तो प्रकृति बचेगा, प्रकृति के खिलाफ मानव जाएगा तो मानव भी नहीं बचेगा। और अब आए ईंट, अब मैं ईंट बता रही हूँ, गोबर से ईंट बनी है, ड्राई को नहीं, हालांकि ड्राई है जो बी साइड ईंट है वे पूरी पूरी हल्की है एकदम, और ईंटा भी आगे गोबर से बनाई गई है। और ये देखो थे, मतलब ये ईंटा है जो ले आ रहा है, और कितनी ईंटा है, 2, 4, 6, 8 ईंट है जो ये उठा ले रहे हैं। ईंट भी हैवी है, बहुत अच्छी ईंट है। और गोबर की क्या खासियत होती है कि इसके अंदर जो है ना प्रोटीन होती है। गोबर जो है, अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा ना, इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग करूंगा, तो इसके अंदर जो है आपको एक झिल्ली दिखाई देगी, और ये बेस्ट बाइंडर का काम करता है। यहाँ पे जो है ना, ये ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ पे आपको नजर आएगी, इसके बीच में ये जो है, ये इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर अपने हार्मोन्स हैं जो गाय के पेट में से निकलते हैं, ये सारी चीजें। इस गोबर को, मिट्टी को, इन चीजों को मिला के, और हम जो है ये ऐसे इस प्रकार से ये बना लेते हैं, फिर इनसे गोला बना लेते हैं, फिर इनसे ईंट बना लेते हैं, बस। अच्छा, तो ईंट बनाने को देसी भट्टो, बस इतना सही ये है सारा सिस्टम। और ये आप इधर जितनी भी ईंट देख रहे हो, ये हाल देख रहे हो ना, जितना भी यहाँ पे निर्माण हुआ हुआ है, ये सारा इन ईंटों से हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे एक भी दाना सीमेंट का नहीं लाया हूँ, एक बोरी भी, एक भी जो रेती का जो नदियों से लेके आते हैं रेत, एक भी क्रेशर, एक भी बजरी, कुछ भी नहीं लेके आया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद ये मेरा पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है इसी से तैयार हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बैल, बैल और गाय, बैल और गाय, गोवंश वो है, मिट्टी है, उनको जब डालते हैं तूड़ी है और थोड़ा सा चूना है। मैं एक पर्सनल प्रश्न है जो करना चाहूँ, मैं कर, कोई बात, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर लग गया बच्चा, तो मतलब क्या को नहीं पापा जी, मतलब अपने जो है समाज के अंदर हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों में पहले ही बांट दिया था।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक अपना गृहस्थ, गृहस्थ से आगे आता वानप्रस्थ, वन की तरफ प्रस्थान करना। मैं 50 से ऊपर टप गया, वानप्रस्थ ही हो रहा हूँ। वो अपना काम करो, मैं अपना काम करने ला रहा हूँ, मैं उन को नहीं टोकू, मैंने क्या मैं टोकेगा। तो मिस्त्री जी है, मिस्त्री जी बीकानेर में होके? प्रॉपर बीकानेर से। मिस्त्री क्या आज ही बने या पहला बन गया? ना मिस्त्री तो बने आज 15-16 साल हो गया, ई काम में आज लगभग 15-16 साल हो गया मिस्त्री बने ने। मालिक इसे टकरे आगे ना, भगवान जी से मालिक मिला मैंने। मेरे मनसु जो भी करूँ धरू, मेरे मनसु आना जाना सब मेरे थ्रू ही। पक्की चिनाई कर जानो है? पक्की चिनाई, RCC काम, सो टोटल काम जाना। लेकिन अब तो गोबर ईंट सब, ई काम में एक अलग ही मजो है, अलग ही इंटरेस्ट है। एक तो हाथ गीला हो को नहीं, सारा दिन पानी में रहना पड़े को नहीं, सूखो काम है, सूखो अड़ोंगो, हाथ टूटे ना पांसड़ी रंग आओ, चोखो चोखो। थाने एक और प्रश्न मैं करना चाहूंगा, जब थे काम करो सीमेंट को, सीमेंट के काम में बता हुआ है कि भाई मजदूर टाकियां पड़ जाता है, टाकी पड़ जाए, गर्म चीज हाथ में पकड़ कौन सका, गिलास चाय और गर्म गर्म रोटी को निवालो तोड़ा है तो बीटे में एहसास हुआ कि हाथ कच्चा हो रहा है, और इनमें बहुत फायदे एकदम नेचुरल चीज है। पक्की ईंट थे दिन में कितनी लगा दो? पक्की ईंट 1100-1100 ऊपर खींचेगी कोई। और ए ईंटा? ए ईंटा देखो ये है कि चालने पर है, लेबर मेरे आगे आगे देसी तो 1500 ईंट में हाथ डाल सका। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग का एक रूल है कि पर डे 1 मीटर से ज्यादा हमें जाना ही नहीं है। तो आ तो बहुत बढ़िया बात है। इना हो मैं आ बात क्यों पूछी, इना हो थाने मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँ और सारा ने मैं आज जो है कमेंट भी करना चाहूँ। कदी मालिक मिले गए ऐसा कि 250 चेपो तो ठीक है, लेकिन काम तसल्लियों करो। मिले जी को है कि जल्दी जल्दी कर दो, है जी को जल्दी कर दो, ईंट चेपो 1000 की 1200 चेपो। और मजे की बात है पहले दिन आया नहीं, न्यू खोदी जाए ऐ लोग आई किया डॉक्टर साहब कि अपना काम कम कर दियो, एकदम बढ़िया काम करियो, साफ सुथरा काम करियो, और प्लस ये कि मेरी लेबर दोरी ना होनी चाहिए मिस्त्री। अच्छा, सबसे बढ़िया बात तो ये है इस मालिक के पास हमें ये देखने को मिली है कि मजदूर के प्रति ऐसा फर्स्ट बार हमने देखा है। लेकिन बीकानेरी हो कचोरी समोसा जगह बेली है वो जगह तो बेली है, बाकी शुद्ध खाना है मिल रहा है शहर यहाँ पे। उसकी जगह और क्या क्या मिले बताओ? कहीं मिले लस्सी मिले और हर ये कब के बताऊं, जो अड़ंगा हमने कभी खाया नहीं ना वो अड़ंगा यहाँ खा रहे, लापसी हलवा देसी घी का, वो भी हल्दी वाला जो हमने नाम सुना था। वाह वाह के बात है, मतलब मौज कर दी डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ पे सिस्टम यही था, जिसको काम करवाना था ना वो उस अगले के खाने का ध्यान रखता था। हमारा गांव जो है बड़ा परिवार होता था, परिवार के अलग अलग विशेषज्ञ होते थे, तो जो हमारे घर पे जैसे खाती आ जाता था तो उस टाइम पे उत्सव जैसा माहौल होता था, खाती ला गया भाई बढ़िया खाना, उसकी सेवा अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेवा अच्छी होगी तो अच्छे से काम करेगा, अगर उसका मन दुख पाएगा तो वो क्या करेगा कहीं ना कहीं चूक छोड़ जाएगा, तो उसका मन दुखी नहीं होना चाहिए। हमारा काम है उसको अच्छा, उसके हम क्या है अब वो आ गया तो वो विशेषज्ञ है, हम विशेषज्ञ नहीं है, तो उसको अपना ज्ञान भी देना है, उसका ज्ञान भी लेना है, सम्मिश्रण बनाना है और फिर उससे और भी अच्छा जो बेहतर हो सकता है वो करवाना है। तो उसका जो है खाना पाना, खान पान, उसकी सेहत का ध्यान रखना, वो भी हमारा काम है। लेकिन 39% आज भी लोग कच्चे घर में निवास करे। एक कच्चा जो शब्द है ना उसको कच्चा मत बोलो, कच्चा जो है ना, कच्चा घर कच्चा है ही नहीं, ये पक्के घर से बेहतर घर है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है ना। कच्चा कैसे है ये, तुमने लगा दिया इसकी जो उम्र है वो सीमेंट से ज्यादा है, सीमेंट के जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो खुद बताते हैं 50-60-70 साल तक की उसकी लाइफ है। आप अपने गांव में जाइए देखिए, अपने दादा का या परदादा का मकान आपको मिल जाएगा और दूसरे का यहाँ आपके नहीं मिलेगा, दूसरे का मिलेगा, 200-200-300-300 साल पुराने मकान आज भी हमारे यहाँ पे हैं। क्या कोई 250 साल ना छोड़ो, 25 साल पुराना सीमेंट का मकान देख लियो, ट्रेड मिलेंगे, दरार मिलेंगे। डॉक्टर साहब आप हरे कन चलांगा और चलता चलता आप बात करांगा कि एक अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई केसरी, केसरी पिक्चर में बा गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच में एक गांव है, 20 जगह शूटिंग हुई, लेकिन केसरी पिक्चर जब शूटिंग हुई बा एक देशभक्ति पिक्चर ही, जब बा एक मतलब मिट्टी बनेड़ो घर हो बिंग तलाशी, तो डॉक्टर साहब बताओ कि मैं 3-4 महीना घूमया जब माने एक मिट्टी को घर मिलियो, और भी मैं पिक्चर है जो शूट हुई है बा, और भी मैं लोग रहे मतलब एक अच्छो कल्चर बॉलीवुड भी यार बड़ा थम गयो ऐसे है। बेस वही है, बेस क्या है, 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा, मिट्टी पहले नंबर पे आती है, तो मिट्टी के मकान में आप रहोगे, जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया था कोरोना वाली जो मैंने बात बताई थी, तो ये विष को सोखती है, जहर को सोखती है, और दूसरा ये सांस लेती है, ये जीवित दीवारें हैं, सीमेंट की दीवारें मृत दीवारें हैं,
उनके अंदर जितने भी जीवाणु हैं, जितना जो कुछ है वो मर जाते हैं। बिल्कुल। और जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर अगर आप मिट्टी वाले मकान में रात को सोओगे ना, तो आपको वो अलग अलग जीव बोलते सुनेंगे, गुर्र चू चू भू मू, पता नहीं कितना प्रकार का म्यूजिक उसके अंदर होगा। अब जैसे जैसे है ना, मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, एक प्योर नेचुरल है और एक सीमेंट वाला है जो मैंने यहाँ पे बना हुआ है, सारा लिया था सीमेंट का ही बना हुआ था, बाद में आगे मैंने नेचुरल शुरू किया था। तो जो चिड़ियाएं हैं वो चिड़ियाएं सारी की सारी नेचुरल में जाती हैं, सीमेंट वाले में एक भी नहीं जाती। बताओ, चिड़ियाओं को भी पता है कि नेचुरल जो घर हैं वो अच्छे हैं स्वास्थ्य के लिए और वो बढ़िया हैं। आदमी को बहका दिया गया, हमारे बच्चों को सिविल इंजीनियर बना दिया गया, सिविल इंजीनियर के अंदर उनको सिर्फ सीमेंट पढ़ाई गई, उनको मिट्टी पढ़ाई नहीं गई, उनका दोष क्या है? स्टेटस के साथ जोड़ दिया गया, मेरा सामान ले लोगे तो थारा स्टेटस बढ़ जाएगा, मेरा सामान नहीं लोगे तो थारा स्टेटस घट जाएगा। हमारी जो मिट्टी है वो हमारी अपनी, हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की, सीमेंट वालों ने मार्केटिंग करके अपना स्टेटस बढ़वा दिया। उस स्टेटस ने सारा का सारा जो है वो इस तंत्र को, ये जो परिस्थिति जिसको बोलते हैं, एनवायरमेंट जिसको बोलते हैं, उस सारे को ही नष्ट कर दिया। आज मकान बनाने के लिए मेरा मकान यहाँ पे बन रहा है, पहाड़ कहाँ के कट रहे हैं? तोसाम के। तोसाम में पहाड़ कट रहे हैं, मकान मेरा यहाँ पे बन रहा है, वहां से बजरी आएंगी, पता नहीं कहाँ पे कट रहे हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ रही है बिल्डिंग उससे कि वातावरण की जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो रहा है, समंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है और समंदर का जल जो है वो उसकी पीएच वो चेंज हो रही है, एसिडिक बन रही है और उससे मछली जो होगे ना समंदर में वो मर रहे हैं। यानी कि घर में बना रहा हूं और मर समंदर में जीव रहे हैं। कितना मतलब ये अत्याचार है, गलत है। तो हमें जो है लौटना होगा, जल्दी से जल्दी लौटना होगा और इससे बढ़िया कोई नहीं है। इस चीज को आप कहोगे ना भाई ये तो बारिश में गल जाएगी या ये आग में जल जाएगी, ना तो ये बारिश में गलती और ना ये आग में जलती। मैं एक ईंट लेके आऊंगा, उसको मैं चूल्हे के ऊपर रखूंगा कई देर तक, 15-20 मिनट तक, आप खुद देखना उसको क्या असर पड़ता है। और दूसरी ईंट लेके आऊंगा जो जिसको पक्का बोलते हैं, 10 मिनट के बाद वो लाल हो जाएगी, उसके ऊपर आप हाथ नहीं रख पाओगे। और जो दूसरी है उसके ऊपर हाथ उठा के 15 मिनट के बाद आप ऐसे ऐसे उठा सकते हो। ये ईंट को रोकती है, ये आग में जलती नहीं है, ये मेरे जो यहाँ का जो लोकल जो है यूथ उसको रोजगार देगी, मेरी जो यहाँ का भारत का जो पैसा है, गाँव का जो पैसा है, हमारे देश का जो पैसा संसाधन है उसको भी बचाएगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आज को एपिसोड फिर मन लगे कि आज को एपिसोड है जो खत्म करना पड़ेगा। अब आशा की मुलाकात होगी तीसरे एपिसोड में। तीसरे एपिसोड को थे कितों को वेट कर रहे हो मन जरूर बताएं कमेंट करके। और इसी चीज थाने और देखने मिलेगी, हारो हांडी और प्राकृतिक नेचुरल जकी जगह रेवे चिड़िया। पक्का मकान में कौन रहे भाई साहब, बाबी मैं थाना बताना रहा हूँ, अंदर एंटर करांगा तीसरे एपिसोड में। लेकिन थे फटाफट टिप 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 कमेंट करो और डॉक्टर साहब ने एक सैल्यूट ठोक दियो, हरियाणा आगे बीकानेर में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।